डॉग स्टार्ट होता है, वहीं से ही हो रहा है। तो मेरा गर्म पानी मेरे मैम आज मैं लेट उठी या मेरी चाय बन रही है, वहाँ करेले उबल रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। गाइस मेरा सारा काम हो गया, मैं बस करेले बना दूँ, प्याज काट के रखूँगी, उसके बाद मैं खाने जा। हो मैंने बनाई है मूली की भूजी एंड आटा गूंदिया, और मैं करेले छोंकने जा रही हूँ। अभी से पानी है, इस सूख जाए तो मैं चिकन प्याज काट दी, करेले इसमें। और मम्मी देख रही है मेरा व्लॉग लेट के। और वाईफाई की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने कल से कुछ नहीं खाया, यानी कि परसों से कुछ भी नहीं खाया है। तो प्लीज़ बताओ मैं इसे क्या खिलाऊँ, मेरे पेट भर गए अपना। मैं बताती हूँ मैं करेले कैसे बनाऊँ, देखो आज मैं करेले कैसे बनाऊँ। ये मैंने तेल रखा, तेल में जीरा डाला, और मैं अभी सारी प्याज इसमें गिरा दूँगी, ठीक है। और फिर मैं इसको अच्छे से चलाऊँगी। जब तक चलाना है जब तक ये लाल ना हो जाए। देखो मेरी प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी करेला। सारा करेला डाल के इसको अच्छे से रब करना है। सारे मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर और हरी मिर्च, नमक थोड़ा गिरूंगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना नमक है, और इसमें गिरेगा धनिया, धनिया बहुत गिरेगा इसमें। और इसमें गिरेगी खटाई सूखी, खट्टा लाने के लिए, ठीक है। और मेन चीज सौंफ, सौंफ गिरती है इसमें ज़्यादा से, अच्छे से इसका टेस्ट अच्छा आता है सौंफ का गिरा हुआ। और मेरा इस साइड में दूध गर्म हो रहा है, अब बस इसे हम चलाएंगे। और इसको मैं दिया पे ढक अच्छे से, ठीक है। फाइनली सब कुछ हो गया मेरा, अब बस नाश्ता करना रह रहा है मैं, लेकिन नहा लूँ चुटकियों में, नहा के आऊँगी मैं। तो अभी मुझे कपड़े भी लगाने हैं, देखते हैं। मैं नहा के हूँ, दो मिनट में नहा आ गई ना, नहा के आ गई है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, फिर देखते हैं क्या करना है, क्या कर सकते हैं। मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाने की, धूप भी आ रही है ना अच्छी वाली। मैं बताऊँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनाती हूँ, ठीक है। मैं आई और करी रेडी। चलो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं।
यहाँ पे मैंने पहले ही मूली की भुजी बना दी थी, करेले से पहले ही बन गई थी, तो मैं पराठे और मूली की भुजी के साथ मैं सबको नाश्ता करा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता भी मुझे ही कराना है, रात का खाना भी मुझे ही बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ना एक तरफ दूध गर्म कर दिया था, चाय बनाने के लिए रख दी थी, तो मैं पराठा सेक रही हूँ फटाफट, क्योंकि पापा को नाश्ता करा रही थी मैं। वैसे आज सारे एक साथ बैठ गए थे, नहीं तो मम्मी को और पापा को एक टाइम पे, ऋतिक को 11 बजे जब भी मैं खाती थी। तो ये देखो मैं मूली की भुजी निकालूंगी। मूली की भुजी किस किस को पसंद है मुझे बताना। और मैं यहाँ पे अब चाय छानूंगी, ये मैं मम्मी के लिए लेके जा रही थी, तो ये देखो मैंने यहाँ चाय छानी। और मैं ये पहले भोग भी लगाऊंगी, क्योंकि भोग नहीं लगा था ना, तो पहले मैंने भोग लगाया यहाँ पे मंदिर पे, ये हल्का सा भोग लगा के फिर मैं वो खाना भोग में ले आई। हमारे यहाँ ना लड्डू गोपाल जी है ना, तो उन्हें भोग लगाना पड़ता है। भैया अब हम भी नाश्ता कर ले, हमने सबको नाश्ता, लेकिन यार वाईफाई बिल्कुल खाना नहीं खा रहा, मैं क्या करूँ? कोई मुझे बता दो कि मैं इसे क्या खिलाऊँ ऐसा जो ये ठीक हो जाए। पता है पतला होता जा रहा है, 3 दिन हो गए इसने खाना नहीं खाया। आप मुझे बताओ ना मैं इसे क्या खिलाऊँ ऐसा कि एक ठीक ठाक हो जाए, प्लीज़ बताना। गाइस मम्मी ने मुझे वीडियो भेजी है, हम गोलगप्पे खा रहे हैं। वीडियो जब भेजी है जब हम खा चुके हैं, जब बनाई है भेजूँ बंद दिखाऊंगी मैं कि क्या करा है उन्होंने। बंद कर दो, आप बोल रहे हो तुमने बना लिया, देख ली, बंद कर दो। देख स्वाति खा रही है गोलगप्पा, देख गया मुंह में फट दे रही थी। अब ये इतना बड़ा किसके मुंह में जाएगा? ऋतिक के। खा रहा नहीं है, ये गया स्वाति के मुंह में गोलगप्पा। कैसे गया? ए फोड़ दिया, स्वाति हार गई। तूने एंड में धक्का मार दिया, मेरे जैसा फोड़ता ही नहीं यार। और अब मेरे को तो समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं कंटेंट कहाँ से लाऊं, पूरा दिन मेरा घर के काम में निकल जाता है। और शाम को बनेगा उत्पम, तो मैं उत्पम बताऊंगी मैं कैसे कैसे उत्पम बनाती हूँ। ठीक है, आप लोग देखना और आप लोग ट्राई भी करना, बहुत टेस्टी लगता है। हेलो गाइस, मैं ना उत्पम बना रही हूँ, देख लो कितनी गर्मी में वो उत्पम बना रही हूँ। हाँ मेरा चीला बन रहा है, देखो ये मैंने पहले से ही ये रखा था, ये अंदर मैं खिला रही थी सबको, पापा को मम्मी को, तो ये चीला मैंने पहले ही ये रखा था। तो ये मैंने जब भी स्टार्ट कर दिया था, मैं भूल गई थी कि मेरे को उत्पम का दिखाना है, तो ये मैंने चीला सेक दिया, अच्छे से करारा कर दिया, और ये मैं पापा को दिया ही। अब मैं दोबारा आके सेकूँगी, तो ये मैं हल्का सा तेल लगा के इस पर सूजी के पेस्ट डालती हूँ, फिर इस पर मैं सब्जियाँ चिपकाती हूँ हाथ से अच्छे से, फिर इस पर हल्का सा तेल लगा के फिर अच्छे से सेकना। बीच में मेरे को डांस भी सूझ गया, क्योंकि ना गाने चल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे कहीं पे। ये देखो ये मैं अपने भाई को दे के आ रही हूँ, तो मैंने बड़ी चटनी कर दी, ये इमली की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग इसे सॉस के साथ भी खाते हैं, बट मुझे तो ये हरी चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको जिसे खाना बना सकते हो, अगर आप कहोगे तो मैं ये इसकी रेसिपी डाल दूंगी उत्पम की। देखो बीच में मुझे सफाई भी करनी पड़ती है, क्योंकि काम मुझे ही करना है, क्योंकि मम्मी की चोट लग चुकी है ना, इसलिए अब थोड़ा सा आराम मिले तो मैं भी करूं। तो देखो ये चीला मेरा तैयार हो चुका है, और अब मैं देने जा रही हूँ ऋतिक को चीला। काम निमट चुका है, खाना वाना मैंने खा लिया है, खाना क्या खाया, हल्का फुल्का सा खाया। चलो फिर अब सोते हैं, भाई सर में दर्द हो रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, तो फिर मिलते हैं।